खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां खाकी हुई शर्मसार सटोरियों से रुपए लेने वाले तीन पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज है। जी आपको बता दें, पुलिस वालों पर सटोरियों से रुपए लेने का आरोप लगा है। अकाउंट में 23 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। एसपी ने तीनों ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और पुलिस ने फ्लैट से 15 सटोरियों को भी पकड़ा था। जी हाँ, बता दें खबर ग्वालियर से है, जहाँ तीन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई और मामला है सटोरियों से रुपए लेने का। जी हाँ, आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं ग्वालियर से स्टेट हेड इमरान खान। बताएं इमरान, क्या है पूरा मामला? अक्सर मामले सामने आते हैं कि कभी कोई ऑफिसर तो कोई पुलिस वाले घुस लेते पकड़े जाते हैं, अब एक और मामला है जिसमें तीन पुलिस वाले घुस लेते पकड़े गए हैं, तो आखिर मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए प्रियांशी, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवा रहे सटोरियों में से पुलिस कर्मियों द्वारा 23 लाख रुपए वसूलने के मामले का खुलासा हुआ है। और पहले पुलिस ने सटोरियों को पकड़े जाने की एफआईआर की, उसके बाद रविवार रात सटोरियों की शिकायत पर एक उप निरीक्षक सहित तीन पुलिस कर्मियों पर और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पकड़े गए सटोरियों में उनसे वसूली करने वाले पुलिस कर्मियों में से दो दतिया के, इसमें पूर्व दतिया के डंग तस्करों को भी ग्वालियर पुलिस ने एमडीएम के साथ पकड़ा था और बाद में हुए एमडीएम यूरिया निकला और इस पूरे सैंपल की पुनः जांच के आदेश न्यायालय ने किए हैं। इसके अलावा झांसी के सरापा व्यापारी 60 लाख रुपए की लूट का मामला शहर के 5 पुलिसकर्मियों पर दर्ज किया गया था। वहीं बीती रात सटोरियों को पकड़ने की कार्रवाई के दौरान एसआई और दो पुलिसकर्मियों ने 23,15,000 रुपए एक खाते में डलवाए थे। सटोरियों ने यह रुपए 10, 8 व 5, 15 लाख की तीन किस्तों में दो खातों के जरिए ट्रांसफर किए थे। साथ ही 10,000 रुपए नकद और दो मोबाइल भी दिए। शनिवार की रात सटोरियों को पकड़ने जाने की एफआईआर सरोल थाने में दर्ज की गई। मैं आपको पूरा मामला दर्शकों को बताना चाहता हूँ। शनिवार की रात लगभग 8 बजे क्राइम ब्रांच और अब के हवलदार विकास तोमर ने थाना प्रभारी अमर सिंह को क्रिकेट सट्टे की सूचना मिलने की बात बताई थी प्रियांशी। टीआई ने सूचना को डेवलप करने को कहा। इसके बाद विकास ने पूछने पर बताया कि वह सटोरियों के प्लेट पर पहुंच गया है और वहां पर 14-15 लोग हैं। आरोपियों की संख्या अधिक होने पर टीआई ने उप निरीक्षक राहुल अहिरवार को सिरोल थाना प्रभारी विनय तोमर की टीम के साथ मौके पर भेजा। इसके बाद सभी आरोपियों की को देर रात पकड़कर उनके खिलाफ एफआईआर की गई और पड़ताल में यह भी पता चला कि एसआई मुकुल यादव क्राइम ब्रांच के, राहुल यादव दतिया के हैं, विकास तोमर भी क्राइम ब्रांच में ही हैं। सुबह पकड़े गए सटोरियों में से रुपए देने के बाद भी कार्रवाई होने पर गुप्त चुप सूचना इधर उधर दी, जिससे सूचना दोपहर में अधिकारियों तक पहुंची। इसके बाद सीएसपी व डीएसपी थाने पर पहुंचे और खातों में ट्रांजेक्शन देखने के बाद रात में एसएसपी राजेश सिंह चंदेल के निर्देश पर तीनों पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया कि तीन पुलिसकर्मी एक बार फिर ग्वालियर पुलिस को शर्मसार, खाकी को शर्मसार कर देने वाली घटना आई और आखिरकार पुलिस ने ही कहीं ना कहीं चोरी वाला काम इस पूरे मामले को देखते हुए लग रहा है प्रियांश। जी जी इमरान, 23 लाख का ट्रांजेक्शन होना एक बहुत बड़ा विषय है। इसके पहले भी कई लोगों से फिर तो अनुमान लगाया जा सकता है कि पुलिस वालों ने पहले भी घुस ली होगी, लेकिन वो मामला सामने नहीं आ पाया। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जो सटोरिए थे वो भी दतिया के थे और यहाँ पर जो दो पुलिसकर्मी है वो भी दतिया के थे, तो कहीं ना कहीं पहले से हो सकता है कि पहले से बड़े स्तर पर यहाँ पर सट्टा चल रहा है करोड़ों रुपए का। वहाँ पर पहले जुआरियों को पकड़ा जाता है, उसके बाद फिर जो उप निरीक्षक है और उसके साथ में जो क्राइम ब्रांच के हवलदार और आरक्षक है उनके द्वारा अपने अपने खातों में अलग अलग ट्रांजेक्शन कराया जाता है। 23 लाख रुपए के आसपास उनको ट्रांजेक्शन होता है, उसके बाद में 10,000 रुपए नकद, दो मोबाइल। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पहले से सूत्र मजबूत थे, क्योंकि पहले से अगर सूत्र मजबूत नहीं होते तो एकदम से सूचना कैसे पुलिस को मिली और क्या वजह रही उसकी, तो पहले से सूत्र मजबूत थे। और शायद ये पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए उन्होंने पेमेंट लिया होगा, लेकिन जब उन पर कार्रवाई हुई, आरोपियों पर जब उन पर एफआईआर हुई, तो उसके बाद में सामने निकल कर आया, इसके बाद में पूरा मामला खुलासा हुआ। उसके बाद जो एक आरोपी था सोनी, वो उसने एफआईआर तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब पुलिस अधीक्षक और एडीजी डी श्रीनिवास वर्मा ने पूरे मामला को गंभीरता से लिया और पूरे मामले की जांच बारीकी से की जा रही है और उसमें जो भी दोषी होंगे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस पर एक बार फिर कहीं ना कहीं खाकी पर शर्मसार करने का आरोप लगाया है कि एक चोर जो चोरी करता है वो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी ही चोरी कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी प्रियांश। जी 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 इमरान, अपराधी को सजा देने और अपराध होने से बचाने के लिए इन्हें ये वर्दी सौंपी जाती है और इसी वर्दी को पहनकर ये खुद अपराधी बन रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि जो वर्दी पहनी जाती है, जब वो देशभक्ति जनसेवा का सलग इनका जो होता है उसमें कहीं ना कहीं अपराधियों को सजा दिलाने का काम, लेकिन अब पुलिस वाले ही जब चोर बन जाएं या फिर
जुआरियों से अपने खाते में अमाउंट डलवा लें या फिर अलग तरीके के मामले, कई अलग अलग तरीके के मामले निकल कर सामने आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिसकर्मी खुद चोर हो गए हैं तो अब इन पर किस तरीके, हालांकि तीनों पर FIR दर्ज हो गई है, निलंबित भी कर दिए गए हैं, लेकिन मामला बड़ा है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की खाकी को फिर से शर्मसार किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस तरह के पुलिसकर्मी और भी होंगे, उन पर किस तरीके से कार्रवाई, क्योंकि सट्टा जुआ या जो भी जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत होता है वहाँ के पुलिसकर्मियों को बिल्कुल सूचना रहती है, उसके बाद में भी ये सारी चीजें चलाई जाती हैं, और चलाई जाने के बाद जब इस पूरे मामले के खुलासे होते हैं तो उसके बाद में कहीं जाकर उन पर कार्रवाई होती है, ये भी कार्रवाई होती है। देखने वाली बात ये होगी अब मध्य प्रदेश पुलिस पर किस तरीके का एक्शन या फिर इन पर जो FIR हुई है, निलंबित किए, आगे की और क्या कुछ कार्रवाई उचित है। जी, जानकारी लिए आपका बहुत धन्यवाद इमरान जी। हाँ, बता दें खबरें ग्वालियर से, जहाँ 3 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस वालों पर सटोरियों से रुपए लेने का आरोप है। अकाउंट में 23 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन भी हुआ है और SP ने तीनों ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया।